बुलबुल ने दिला दिया है वीर को इंसाफ, फाइनली लौट आई है बुलबुल के चेहरे पर खुशी। जी हां गाइस, कलर्स के पॉपुलर टीवी सीरियल मेरा बालम थानेदार के अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि फाइनली बुलबुल ने अपने थानेदार को यानी कि वीर को उसका इंसाफ दिलवा दिया है। और अब मंदिर में वीर के हाथों चढ़ाई गई चुनरी भी माता जी के ऊपर चढ़ा दी गई है। वेल, होता यह है कि वीर अचानक से बहुत सारी कंचकों को लेकर आता है मंदिर में और अब मंदिर के अंदर कंचक पूजा भी पॉसिबल हो जाती है। और वहीं पर वीर को देखकर बुलबुल जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, साथ ही उसे एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज भी मिलता है। दरअसल उस वक्त बुलबुल जो है वो माता के सामने अपनी पूजा अर्चना में लगी होती है। वहीं मिनिस्टर जो है वो नीचे कांच के टुकड़े फेंक देता है ताकि बुलबुल के लिए ये चीज और भी ज्यादा मुश्किल हो जाए। लेकिन अचानक से वीर की एंट्री होती है और वो बहुत सारी कन्याओं को लेकर आता है कंचक पूजा के लिए, जिसे देखकर बुलबुल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। साथ ही गाइस, पंडित जी भी इसी बात को लेकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वीर को कहते हैं कि तुम जो चुनरी माता को चढ़ाओगे उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि गाइस, अब वीर को उसका इंसाफ मिल चुका है, साथ ही बुलबुल अब बहुत ज्यादा खुश है और वीर भी बहुत ज्यादा खुश है। अब देखना यह इंटरेस्टिंग होने वाला है कि क्या इसी वजह से वीर जो है वो बुलबुल के करीब आ जाएगा। वेल, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे ट्विस्ट को लेकर हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही टेलीविजन से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।